तो बेटा आज से अपन नया चैप्टर है ना। चलिए देखो बेटा सुनो, आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो अपन लेते हैं बेटा स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है वो क्लास 11th का चैप्टर है, और स्टेट ऑफ मैटर से बेटा हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी भी नीट में क्वेश्चन आया था, है ना। अब देखो बेटा सुनो, स्टेट ऑफ मैटर वैसे आप समझते हैं है ना, स्टेट ऑफ मैटर आप समझते हैं अच्छे से। करना क्या, देखो सुनो बेटा ध्यान दीजिए। अगर मैं ऐसा बोलूं कि देखो स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स तो मैं लिखता हूं, मैंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट है ना, मैटर इज डिवाइडेड इन थ्री ग्रुप्स, है ना बेटा। मैटर को अपन कितने ग्रुप में डिवाइड करेंगे बेटा, दो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। दो में क्या, सॉरी तीन में, है ना, तीन में डिवाइड करेंगे। अब देखो बेटा सुनो, ये जो तीन में अपन जो डिवाइड कर रहे हैं उसमें सुनिए कौन कौन सा है। सबसे पहले सॉलिड स्टेट है बेटा, फिर कौन सा लिक्विड स्टेट, फिर आपकी कौन सी गैसियस स्टेट, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, जो सॉलिड स्टेट है वो आप पढ़ोगे बेटा 12th के अंदर, है ना। लिक्विड वो आप पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर। अच्छा गैस स्टेट ऐसा है कि जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो बेटा, है ना, और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है ना, दोनों में पढ़ते हैं। तो अभी जो हमारा मेन, जो हम मेन करेंगे डिस्कस वो यहीं पे करेंगे बेटा, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमें बात करनी है। देखिए बेटा सुनिए, अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, ठीक है बेटा, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, ठीक है बेटा। अब देखो सुनो, सबसे पहले मुझे एक बार बताओ, देखो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट्स आगे बहुत काम आएंगे, ये पॉइंट्स बेटा आगे बहुत काम आने वाले हैं, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले बताओ कि जो आपकी गैसियस फेज है उनमें मॉलिक्यूल के बीच में बच्चों कोई अट्रैक्शन होता है क्या, मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन होता है बच्चों? बहुत ही कम होता है, तो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल होता है। तो क्या बोलेंगे बेटा कि अपन ऐसा बोल सकते हैं वीकेस्ट, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बेटा, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अब मुझे बताओ कि जब उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही वीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो दो होंगे वो एक दूसरे से बहुत दूर होंगे ना। बोलो बच्चों, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या क्या बोलेंगे, इनकी जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है
वो ज्यादा होगी तो क्या बोलेंगे कि लॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है बेटा, लॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स। अब बताओ बेटा ये बात भी समझ में आएगी, क्या गैसेस फेज का कोई पर्टिकुलर शेप होती है क्या? बोलो बच्चों, नहीं होती। क्या इनका वॉल्यूम फिक्स होता है? क्या इनका वॉल्यूम फिक्स होता है? नहीं होता। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा कि नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, है ना बेटा, ना तो इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होगा ना इनकी कोई फिक्स्ड शेप होगी। ये सारे जानते हो, ये पॉइंट बेटा ढंग से समझना क्योंकि आगे काम आएंगे आपके। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अपन गैसेस फेज को कंप्रेस कर सकते हैं क्या? बोलो, कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किस फेज की होती है? इसी फेज की होती है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी इसी फेज की ज्यादा आती है। अच्छा, डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी किस फेज की ज्यादा होती है? इसी फेज की होती है। डिफ्यूज समझते हो बेटा? डिफ्यूजन समझते हो? डिफ्यूजन समझते हो ना बेटा? ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे बेटा देखो, मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी एंड डिफ्यूजिबिलिटी, बोलो सही है, कंप्रेसिबिलिटी और डिफ्यूजिबिलिटी क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी। एक बार बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि मैटर की कौन सी फिजिकल स्टेट सबसे रैंडम होती है, बताओ बच्चों, मैटर की फिजिकल स्टेट सबसे रैंडम होती है कौन सी होती है बच्चों? गैसेस फेज ही होती है। तो अपन कह सकते हैं बेटा देखो, ये बोल सकते हैं कि मोस्ट रैंडम है ना स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा बच्चों, एक बार बताओ, ये जो रैंडमनेस है ना, इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ? एंट्रोपी, वेरी गुड। तो अपन क्या बोलेंगे इसमें क्या होगा? हाईएस्ट एंट्रोपी होगी ना बेटा। रैंडमनेस को एक टर्म यूज लेते हैं एंट्रोपी। देखो जैसे बेटा आपका सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड में पार्टिकल इस तरह से एक दूसरे के पास पास ऐसे कनेक्ट होते हैं, होते हैं बेटा। लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। लेकिन गैसियस फेज में कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है। ये बात समझ आएगी बच्चों? बोलो बेटा, समझ आया? ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसियस फेज है। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ आएगी? अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि कौन सी फिजिकल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, बताओ, गैसेस फेज की होती है ना, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना ऑफ, या सीधा लिख दो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं बेटा। अब मुझे बताओ, अगर अब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करें तो कौन सी फिजिकल स्टेट पर सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है, बताओ? गैसेस फेज पर ही आता है ना, गैसेस फेज पर ही आता है। तो अपन कह सकते हैं बेटा कि मोस्ट सेंसिटिव फिजिकल स्टेट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, बोलो बच्चों। तो ये पॉइंट समझ में आ गए, सिंपल सिंपल से पॉइंट है। बोलो बेटा, इन पॉइंट्स में मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है,
अब देखो बेटा, अब अगर मैं ऐसा बोलूं क्या कि फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ गैसियस फेज, है ना, फॉलोइंग पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है बेटा, हमें कौन कौन से पैरामीटर काम में लेने हैं वो पता करना है। तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले जो पैरामीटर है वो हमारा कौन सा बच्चों, बताओ, टेम्परेचर है बेटा। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो टेम्परेचर होगा, होगा बेटा। टेम्परेचर की यूनिट बढ़िया आपने बेटा, दो यूनिट होती है, एक तो केल्विन होती है, एक डिग्री सेल्सियस होती है। तो जनरली हमारे केल्विन में ही काम आता है ना बेटा, ये आप जानते हो अच्छा सा। तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सिंपल है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो बेटा, देखो बात करते हैं वॉल्यूम की, है ना, वॉल्यूम वी की बात करते हैं। तो वॉल्यूम की यूनिट आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, देखो क्या 1 लीटर है ना, इसके इक्वल होता है बच्चों 1 डेसीमीटर क्यूब, होता है बच्चों 1 लीटर किसके इक्वल है 1 डेसीमीटर क्यूब, समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज और सुनो, 1 लीटर में कितने ml होते हैं बेटा, 1000 ml होते हैं, और 1 लीटर में क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं बच्चों, ठीक है ना, उसको वो ऐसे लिख देता है 1000 cc, लिख दिया बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 1 ml = 1 cc = 1 cm³, बोल सकते हैं बेटा। फिर बताओ, अगर मैं बोलूं क्या 1 m³, ये है बेटा, तो 1 m³ में कितने लीटर होंगे ये हमें पता करना बेटा, है ना। देखो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ना। अरे सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया विश्वजीत, थोड़ा तो दिमाग लगा ले भाई मेरे। क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बेटा 1 m³, तो 1 m³ को अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा, बोलो 10^6 cm³ हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बोलो बच्चों, ये जो है क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को 1 लीटर लिख सकते हैं। तो बताओ क्या हो गया, 1 m³ हो गया आपका 1000, बोलो बेटा लीटर हो गया क्या, बोलो बच्चों, समझ आया मामला, आ गया। ये तो दो सिंपल सिंपल से थे। अब आओ बेटा देखो नंबर थ्री बात करते हैं अपन, बात करते हैं बेटा प्रेशर की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गैसियस फेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है ना वो प्रेशर ही है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये आपने को बताना है बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताओ बच्चों, कोई बताएगा आप में से। देखो बेटा सुनो, होता क्या है, सपोज ये हमारी अर्थ है, है बेटा, इस अर्थ के चारों तरफ क्या है, देखो बेटा सुनो, इस अर्थ के चारों तरफ आपको पता होगा एक थिक इस तरह की लेयर होती है बेटा, ठीक है ना,
ये जो है वो क्या है? ये है बेटा एटमॉस्फेरिक गैसेस है बेटा। अब मुझे बताओ ये एटमॉस्फेरिक गैसेस बोलो इस अर्थ बाउंड होगी कि नहीं होगी? बोलो बाउंड होगी किस कारण? बताओ किस फोर्स के कारण? ग्रेविटी के कारण होगी बच्चों। अब मुझे बताओ जब ये ग्रेविटी के कारण इससे बाउंड है तो बच्चों बताओ ये जो आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो अर्थ की सरफेस पे स्ट्राइक करेगी? अर्थ की सरफेस पे स्ट्राइक करेगी और उनके स्ट्राइकिंग से क्या जनरेट होने वाला है? प्रेशर जनरेट होने वाला है। समझ में आ गया? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आया बच्चों? बोलो क्या बोलेंगे कि हमारी जो अर्थ है उस अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेरिक गैसेस का एक बहुत मोटी सी थिक सी लेयर है। ये थिक लेयर क्या होती है? हमारी अर्थ से बाउंडेड है ड्यू टू ग्रेविटी, और इस ग्रेविटी के बाउंड होने के कारण ये आपके जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं? वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं अर्थ की सरफेस पर, और इसी प्रेशर को अपन क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो देखो अपन क्या बोलेंगे बेटा, अपन बोलेंगे देखिए आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक गैसेस। सही बात है? बोलो बच्चों। अब देखो अब क्या बोलेंगे? ड्यू टू ग्रेविटी है ना, दीज गैसेस कंटिन्यूअसली स्ट्राइक ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड ए प्रेशर is produced which is known as atmospheric pressure। आ गया बच्चों ये समझ में आया? एटमोस्फेरिक प्रेशर समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा। अब देखो बेटा सुनो, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? देखो बेटा सुनो, क्या अपन बोलेंगे इट इज मेजर्ड बाय बेरोमीटर। बेरोमीटर से करते हैं। देखो बेटा इस बेरोमीटर को है ना थोड़ा सा नाम ध्यान दो है ना। बेरोमीटर में ना देखो मीटर का मतलब तो आप समझते ही हैं, मेजरमेंट। एक चीज आ रही है देखो बेटा इसमें बार। इस बार का मतलब भी क्या होता है? इस बार का मतलब ही बच्चों प्रेशर होता है। पता है क्या इस बार का मतलब ही क्या होता है? प्रेशर होता है। समझ आ गया बेटा? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये बैरोमीटर कैसे है ये मैं आपको समझाता हूं, बहुत ढंग से समझना। देखो बैरोमीटर में हम करेंगे क्या, अच्छे समझना बेटा। देखो सपोज ये एक कंटेनर है हमारा, ठीक है बेटा। इस कंटेनर में हमने क्या कर रखा है? देखो मरकरी भर लेते हैं अपन इसमें, देख बेटा
ठीक है। अब देखिए बेटा, मैंने क्या किया, यहां पर एक ग्लास ट्यूब इसके अंदर इस तरह से इन्वर्ट करके रख दी। समझ आएगी बेटा, ये जो है वो क्या है, वो है एक ग्लास ट्यूब है। समझ आएगी बात। अब मुझे एक चीज समझाना ढंग से। देखो बेटा, मैं कह रहा हूं कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर है ना, मैंने क्या कर दिया बेटा, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। समझ आ गया, वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है? बोलो बच्चों, वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं इसके अंदर। अब मुझे एक बात बेटा सुनो, ध्यान से सुनना। आप बताओ, इधर यहां पर ये एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं कि नहीं है? है बेटा, यहां एटमॉस्फेयर है ना, ये जो मैंने बनाया है वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर है। वो एटमॉस्फेयर इस सरफेस के ऊपर, बोलो बेटा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा। ऐसा कैसा प्रेशर, इधर भी एग्जर्ट करेगा क्या, करेगा बच्चों, दोनों तरफ प्रेशर लग रहा है, कंफर्म। इतना सबको समझ में आया? अब एक चीज बताओ बेटा, मुझे एक चीज बताओ कि यहां तो अपन कह रहे हैं ना इसके अंदर क्या बेटा, कि वैक्यूम है, तो क्या बोलेंगे कि यहां पर कोई भी गैस मॉलिक्यूल नहीं है, है ना बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा, नो प्रेशर। बताओ, तो जब यहां प्रेशर नहीं है तो अब सोचो क्या होगा, बताओ, बोलो, ये जो लिक्विड है ये मरकरी है बेटा, ठीक है ना, ये क्या है, ये मरकरी है। तो ये मरकरी, बताओ इसमें राइज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा बेटा, करेगा ना। अब मरकरी राइज करते करते देखो बेटा क्या होगा, देखो मैं वापस एक बार डायग्राम बना देता हूं। ये सपोज इस तरह से था बेटा, देखिए, अब देखिए मैंने इसको ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, और मान लेते हैं कि लगभग लगभग ये यहां तक पहुंच गया, ठीक है, तो ये इसका सरफेस था और ये यहां तक पहुंच गया, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया कि ये ऐसा क्यों होगा, ये बिहेवियर समझ में आया क्या, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ बेटा, जब कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है ना बेटा, जब कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो अगर उसका हॉरिजॉन्टल लेवल, अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो उस पर प्रेशर क्या लगेगा, बताओ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सिमिलर लगेगा ना। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर में आपने वाटर ले रखा है ना, बाल्टी में, तो वाटर के हर पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल होगा ना बच्चों, बताओ, होगा बच्चों। अब देखो बेटा क्या होगा, जैसे मुझे एक बात बताओ, देखो यहां ये जो लिक्विड है ना मरकरी, वो स्टैटिक कंडीशन में है ना, स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा था उतना का उतना प्रेशर नीचे से लग रहा होगा ना, यही हुआ ना बेटा, बताओ बताओ, ये बात सुनाई भाई, तभी तो मूव नहीं कर रहा ना। सोचो अगर ऊपर वाला प्रेशर, ये वाला प्रेशर ज्यादा होता तो ये कंप्रेस हो जाता है ना, और अगर नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होता तो ये क्या करने लग जाएगा, उछलने लग जाएगा ना, उछलने लग जाएगा बच्चों, बताओ,
बोलो। अब देखो मैंने क्या किया बेटा, यहां पर है ना, इसको समझने के लिए एक क्या किया कि यहां पर है ना एक इस तरह की एक एल्यूमिनियम की फॉइल रख दी मैंने, ठीक है, एक मासलेस एल्यूमिनियम की फॉइल, ठीक है ना, ये क्या है, मासलेस एल्यूमिनियम की फॉइल। अब इस फॉइल पे देखो, ये अगर मूव नहीं कर रही तो जितना प्रेशर ऊपर लग रहा है उतना ही बोलो बेटा इसमें नीचे लगेगा, क्या ये बात सही है, बोलो क्या ये बात आपको समझ में आई, बोलो। तो अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे कि ये अगर मासलेस फॉइल है ना इन स्टैटिक स्टेट, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो एक तो जो बॉटम से लग रहा है इसको पीबी बोल देते हैं, और एक जो ऊपर से लग रहा है उसको पीटी बोल देते हैं, टॉप और बॉटम। मासलेस फॉइल जो है वो स्टैटिक स्टेट में, तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा क्या कि पीटी इक्वल्स टू पीबी, बोलो बच्चों, बोलो, बोलूंगा। अब मुझे बताओ ये जो पीबी है, जो पीबी यहां पर भी लग रहा होगा यहां पर भी लग रहा होगा, तो मुझे बताओ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सिमिलर होगा, बोलो बेटा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो पीबी है वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या बेटा, तो मुझे बताओ। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो आपने प्रेशर मेजरमेंट किया वो क्या आ गया, वो पीटी आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया बेटा। अब देखो, अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये ग्लास की ट्यूब फट क्यों गई, फट क्यों नहीं गई, तो बेटा प्रेशर तो 1 atm ही है ना, 1 atm में आपने कभी कोई घर पे कोई चीज फटते हुए देखी, अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं, सू यस सी ना, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट इसने ऑप्टेन की, चाहे आप कितनी लंबी ग्लास ट्यूब ले लो, कितनी लंबी, ये हाइट कितनी होगी बच्चों बताओ, ये हाइट कितनी होगी आपको पता होगा, 76 सेंटीमीटर। ये हाइट 76 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं जाती है, समझ में आया, ठीक ऑयल एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल क्यों हुआ, एक बार बता बेटा, यहां देख ये पी बॉटम है और ये पी एटमोस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं है, अगर यहां पर लिक्विड स्टैटिक स्टेट में है तो पी एटीएम और पी बी बराबर होंगे, तो गोयल। अब देख यहां पर ये मरकरी की फॉइल मूव नहीं कर रही, इसका मतलब पी बी और पी टी बराबर होंगे, होंगे क्या गोयल, समझ में आया, तो मुझे बता पीटी पीबी के बराबर है और पीबी पी एटमोस्फेरिक के बराबर है, तो क्या मैं पीटी को पी एटमोस्फेरिक के बराबर नहीं कह सकता है क्या, है ना, बोलो समझ में आ गया, ओके। अब देखो बेटा सुनो, तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए यहां पर ये जो एच आया ना बेटा, ये क्या है, ये है बेटा हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, है ना, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, ये किसकी हाइट है, मरकरी कॉलम की। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं बोलूं कि कोई लिक्विड इस तरह से है ना, मान लो ये लिक्विड है, तो ये लिक्विड इस तरह से भरा हुआ है, तो ये लिक्विड यहां इस सरफेस के ऊपर
इतना प्रेशर लगाएगा, बताओ। किसी भी लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताओ। फिजिक्स में पढ़ते हो आप, किस फॉर्मूले से कर लेंगे बच्चों? अरे लिक्विड का कुछ मास होगा, मास होगा बच्चों, और ग्रेविटी होगी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? एमजी बोल सकते हैं बच्चों, एमजी बोल सकते हैं क्या? सिंपल सा फॉर्मूला बोलो बच्चों, एमजी बोल सकते हैं, सबको पता है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं कि देखिए फोर्स एग्जर्टेड बाय ए लिक्विड है ना, फोर्स एग्जर्टेड बाय ए लिक्विड एट द सरफेस ऑब्लिक बॉटम ऑफ कंटेनर है ना, बॉटम ऑफ कंटेनर कैन बी गिवन बाय। तो क्या मैं बेटा इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा, F इक्वल्स टू mg, लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है कि बेटा प्रेशर जो होता है ना वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, ऐसा पढ़ा आप लोगों ने, प्रेशर होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। इसकी जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, फोर्स की जगह? अब मुझे बताओ बेटा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या आ जाएगा बताओ, हम क्या लिख सकते हैं मास की जगह? V इंटू डी इंटू जी अपॉन ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ V क्या होगा? एरिया इंटू हाइट इंटू डी इंटू जी डिवाइडेड बाई ए, बोलो सही है? यहां A से A कैंसिल हो गया, ये आ गया HDG, बोलो बच्चों। अब बताओ अगर मैं बोलूं मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया P इक्वल्स टू HDG, बोलो ये बात सुन आई, बोलो ये दिमाग बैठ गया, ये दिमाग में बैठ गया, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आई थिंक सबने पढ़ा ही है ये फॉर्मूला, मेरे हिसाब से सब बच्चों को आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता ये। अब देखो बेटा सुनो, इसमें अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर देखो बेटा क्या है, H जो है वो क्या है, वो है हाइट ऑफ लिक्विड है बेटा, H क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड, ठीक है। अच्छा D क्या है? D है बच्चों डेंसिटी ऑफ लिक्विड है बेटा, और G क्या है बताओ? G तो जानते हो, बता दो, फिजिक्स में पढ़ते हो G 9.8, ग्रेविटी है बच्चों है ना, तो G की वैल्यू होती है 9.8, यूनिट बताओ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेरी गुड बेटा, इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, अगर आपसे कोई पूछा जाए, आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ 1 atmosphere की डेफिनेशन क्या हुई, कौन बताएगा 1 atmosphere की डेफिनेशन क्या हुई? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 1 atmosphere जो है वो किसके इक्वल होगा? मरकरी का जो कॉलम है जिसकी हाइट 76 सेंटीमीटर है, उस 76 सेंटीमीटर हाइट वाले मरकरी के कॉलम के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? बोलो 1 atmospheric प्रेशर। अरे बच्चों समझ में आया? देखो इसको बेटा एक और तरीके से भी आप कर सकते थे, देखो मैं समझाता हूं ध्यान से सुनना। सपोज जैसे मेरे पास ये कंटेनर था है ना,
अपन इसमें अगर ऐसा करें, देखो क्या ये कंटेनर था, ठीक है, और एक हमारे पास ग्लास की ट्यूब थी, इस तरह से मान लो ये ग्लास की ट्यूब थी। इस ग्लास की ट्यूब को मैंने पूरा भर लिया बेटा, ठीक है ना, इस ग्लास की ट्यूब को पूरा मरकरी से भर के और इसको इसके अंदर इन्वर्ट कर दिया। तो इन्वर्ट करने के बाद आप देखिए हुआ क्या इसमें, कि ये जो है ना, ये इस तरह की पिक्चर आ रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है कि इसमें से पहले बेटा पूरा लिक्विड भरा हुआ था, और धीरे धीरे क्या हो सकता है कि वो लिक्विड है ना कुछ नीचे आ गया होगा। मान लीजिए अब वो लिक्विड है ना इतना ही रह गया, तो अब देखो वो जो लिक्विड की हाइट है ना वो कितनी रह गई, 76 सेंटीमीटर, है ना, कितनी, मतलब ये कहां पे आके रुक जाएगा, 76, इससे आगे नहीं जाएगा, समझ में आ गया। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हो तो मरकरी की हाइट कहां पे आके रुक जाएगी, 76 सेंटीमीटर में। बात समझ में आ गई बेटा, है ना, बात समझ में आ गई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मेजर कर रहे हो तो ये 76 है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अगर यही अगर मान लीजिए आप क्या बोले, आप मान लीजिए कहां चले गए, पहाड़ों पे चले गए, तो क्या ये हाइट इतनी रहेगी, बोलो बच्चों, नहीं रहेगी ना। प्रेशर चेंज होगा तो हाइट भी चेंज होगी, समझ आ रहा बच्चों। अभी अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे बात कर रहे हैं, ये ध्यान रख लेना। अरे समझ में आ रही है, बोलो फिर अब इसमें क्या क्या चेंज होंगे अपन आगे बात करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा क्या करेंगे, अब सुनो, अगर मैं वन है ना, वन एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं वन एटमॉस्फेयर। तो देखो बोलेंगे इट इज इक्वल टू द प्रेशर एग्जर्टेड बाय मरकरी कॉलम ऑफ 76 सेंटीमीटर लेंथ। ये समझ में आ गया बच्चों, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके कॉल हुआ, ये जो हमने डायग्राम बनाया इसमें मरकरी की कॉलम की जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर है, तो जितना ये यहां पे प्रेशर लगा रहा है ना, क्योंकि ये फिक्स है, इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल हो गया। बोलो बच्चों क्या पिक्चर समझ में आई क्या, अब ये मूव नहीं करना, ना नीचे ऊपर जा रहा ना ऊपर जा रहा, सबको क्लियर है, बोलो। तो क्या मैं ऐसा कह कि देखो बेटा 180 जो हुआ वो हुआ 76 सेंटीमीटर या 760 mmHg या 0.76 मीटर हो गया, हो गया बेटा, इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, अब पंगा ये है कि हमने क्या बोला, हमने किसको यूज लिया बेटा, मरकरी को यूज लिया ना। अब है ना, अब दिमाग में ये आता है को यूज ले ले तो क्या होगा, बताओ वोटर को यूज ले ले तो क्या होगा, क्या प्रेशर अलग आएगा क्या बच्चों, बताओ प्रेशर अलग आएगा क्या, प्रेशर अलग नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा,
हाइट और डेंसिटी है ना वो चेंज हो जाएगी। अब समझना बेटा, देखो सुनो, सपोज जैसे मैं ये कहता हूं, मैंने ऐसे बोला बेटा कि सपोज यहां मान लीजिए वाटर है और यहां मान लीजिए मरकरी है, ठीक है, ये वाटर है ये मरकरी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, है ना, बोलो अपन क्या बोलेंगे, नो चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जो चेंज आएगा ना वो समझना आप, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि चाहे आप प्रेशर मरकरी लेके मापो और चाहे प्रेशर आप वाटर लेके मापो, बोलो पहले ये समझ में आएगा, बोलो बच्चों ये लाइन समझ में आई। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं क्या लिखूंगा, एच डी जी ड्यू टू मरकरी, एच डी जी ड्यू टू वॉटर। अब जी तो बेटा कॉन्स्टेंट है, उड़ा दूं, अरे बच्चों ये बराबर क्यों, क्या समझ में आ गया क्या। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 76 क्या है सेंटीमीटर है, अच्छा एक बात बताए क्या, मरकरी की डेंसिटी जानते हो बेटा, देखो मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 13.6 बड़ा जाना पहचाना कोफिशियंट है, कहाँ आया था बेटा 13.6, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है ना, एनर्जी याद करो। हाँ बेटा वेरी गुड, तो देखो मैंने यहां इसकी डाटा लिख दिया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब हाइट निकालनी है वाटर के केस में, अच्छा बच्चों बताओ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, कौन बताएगा, वाटर की डेंसिटी तो याद होगी वन होती है बच्चों, वाटर की डेंसिटी वन होती है, तो ये वन रखा, तो मुझे बताओ इसको सोल्व करके क्या मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। तो जब मैंने इसको हाइट मेजर करना किया तो बेटा ये आ रहा है इसमें, इसमें आया। आप बताओ, देखो मरकरी के केस में हाइट कितनी आई 76 और इस केस में देखो कितनी आ गई, ये 10 मीटर आ गई। मुझे बताओ आप किस हाइट को इजीली मेजर कर पाओगे, बताओ, अरे हाइट को मेजर करना कौन सा इजी होगा, मरकरी वाले को ना। अब बताओ 10 मीटर की हाइट को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, बताओ आपको, बोलो घर में क्या होता है, अरे इंची टेप नहीं, चढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिएगा क्या, वहां पहुंचोगे कैसे आप, समझ में आ गया, लेडर चाहिएगा ना, बोलो लेडर चाहिएगा। तो अब मुझे बताओ कौन सा कन्वीनियंट हुआ भाई, जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि देख बेटा तेरे को तेरे भाई की हाइट मेजर करनी है, कर लोगे, मैं कहता हूं ले हाथी की हाइट मेजर कर, तो कौन सी हाइट मेजर करना इजी होगा, आप अपने भाई की कर पाओगे या हाथी की, भाई की ना, हाथी तो बहुत हाइट में जाता है बेटा। तो अब समझ में आ गया मरकरी को क्यों यूज लिया, तो देखो बेटा अपन क्या बोलेंगे कि देखो इन बेरोमीटर वी यूज मरकरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, है ना, तो
तो सबसे पहले देखो बेटा क्या बोलेंगे आप, देखो बेटा इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये प्रेशर है, ये एचडीजी, प्रेशर तो कॉन्स्टेंट रहता ना, तो मुझे बताओ अगर मैं बोलूं कि पी कॉन्स्टेंट है तो देखो हाइट जो होगी वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्या ये बात समझ आई? हाइट डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, बोलो बच्चों। इसका मतलब देखो जितनी कम डेंसिटी होगी ना हाइट उतनी ज्यादा आएगी, तो वाटर की डेंसिटी कम है, हाइट बहुत ज्यादा आ गई, उसको मेजर कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो देखो अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहला देखो अपन क्या बोलेंगे, देखो अमंग ऑल लिक्विड एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, मरकरी हैज हाईएस्ट डेंसिटी है ना, एंड दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम कैन बी मेजर्ड इजीली। बोलो बच्चों समझ में आया? बात समझ में आएगी? अभी से एक वो भी बताएंगे बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अगर जैसे मैं आपसे बोलूं देखो डेंसिटी वाटर की, एक देखो बेटा ग्लिसरॉल और एक मरकरी, ठीक है। वाटर की होती है बच्चों 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जैसे अपन ने बेटा वाटर के लिए निकाला ना, वैसे अपन ग्लिसरॉल के लिए निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं? बोलो बच्चों ग्लिसरॉल के लिए निकाल सकते हैं क्या? बताओ ग्लिसरॉल के केस में कितनी हाइट आएगी बताओ बच्चों, ग्लिसरॉल के केस में क्या हाइट आएगी, निकाल लिया क्या? अरे बहुत सिंपल है, 3.8 मीटर है ना। अब देखो अपन क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ ग्लिसरॉल हाइट विल बी क्या करेंगे, देखो 13.6 × 76 और यहां 2.72 और एच हमें निकालना बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइट जो आ रहा है 13.6 × 76 2.72 लगभग ये आया 380 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ आई बच्चों? बोलो बेटा क्या ये बात समझ में आई? ये एक तो वैरायटी समझ में आ गई। अब देखो बेटा सुनो, ग्लिसरॉल पता है क्या, घर में यूज लेते हैं बेटा अपन ग्लिसरॉल, सर्दियों में खूब काम आता है अपने घरों में, काम आता है ना। अब देखो बेटा सुनो, मरकरी की क्या खास बात है, मरकरी में देखो क्या होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट है ना, ध्यान से सुन लेना भैया। पीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है और एमपी का मतलब मेल्टिंग, विश्वजीत राजवी तू सुन लेना भाई, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट है। इससे फायदा क्या होगा बेटा बताओ, ये लिक्विड स्टेट में तो बहुत जल्दी आ जाता है लेकिन वेपर फेज में बहुत मुश्किल से जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट हाई होने के कारण, लिक्विड के कंपैरिजन में कह रहे हैं बेटा,
ये ध्यान रख लेना। तो इससे फायदा क्या होगा? देखो बेटा सुनो, आप मुझे बताओ, रूम टेम्परेचर पर वाटर की वेपर बनती है? बनती है बेटा। अब जब वाटर की वेपर बनेगी तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर वाटर यहां होगा तो बेटा ये वेपर के कुछ मॉलिक्यूल वहां पर आएंगे, वेपर के कुछ मॉलिक्यूल वहां पे होंगे। अब बताओ ये वेपर के मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, इस मरकरी के कॉलम पे प्रेशर लगाएंगे ना, सॉरी वाटर के कॉलम पर, तो आपकी जो रीडिंग है उसमें एरर आएगी क्या? बोलो बच्चों, रीडिंग में एरर आएगी ना? समझ में आ गया? लेकिन जैसे ही हमने क्या बोला कि हमने क्या काम में लिया, हमने अगर मरकरी को काम में लिया तो वहां पर ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। समझ में आ गया बेटा? तो अपने क्या बोला कि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट है ना। इट मींस एट रूम टेम्परेचर है ना, एट रूम टेम्परेचर इट इज नॉट वेपोराइज्ड है ना, सो देर विल बी नो एरर इन द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर। ये बात सुनाइए बच्चों, पॉइंट बी समझ में आया? बोलो बच्चों। अब देखो एक खास बात और है, और बताओ, मरकरी जो होता ना वो ग्लास के चिपकता नहीं है, मरकरी ग्लास के चिपकेगा नहीं, लेकिन वाटर है ना वो चिपक सकता है। तो क्या बोलेंगे बच्चों? देखो ऐसा बोलेंगे कि मरकरी डज नॉट स्टिक ऑन ग्लास। तो ये तीन पॉइंट समझ आ गए बच्चों? बोलो बेटा, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, हमने फॉर्मूला समझ लिया HDG। अब देखो बेटा अपन क्या करेंगे, अब समझाता हूं मैं। कन्वर्जन ऑफ 1 ATM वो हमें CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, 1 ATM को CGS सिस्टम में। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, हमने सीखा था प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P=HDG। अब बताओ देखो बेटा सुनो, ये है 1 ATM, तो देखो 76 सेंटीमीटर ठीक है बेटा, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये वैल्यू आ गई 980। क्या लिख सकते हैं अपन? बोलो, ऐसा लिख सकता हूं क्या? डाइन पर ग्राम। बोलो बच्चों, लिख सकते हैं। अब बताओ इसको सोल्व करके बताओ, इसको सोल्व करने पर ये आएगा, देखो 1.01325 × 10^6 टाइम पर ग्राम। अब मुझे बताओ ये डाइन और ग्राम है ना, ये किसमें है? CGS सिस्टम है बच्चों। अब बताओ अगर मुझे इस CGS को MKS में कन्वर्ट करना है, कर नहीं सकता क्या? इस CGS को MKS में कन्वर्ट कर सकता हूं बच्चों? बताओ 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10^5? ये 100 कौन बोल रहा है? 100 कौन बोल रहा है मेरे भाई? 10^5 होते हैं बेटा। अच्छा
और सेंटीमीटर में मीटर पता कर लेंगे। तो देखो बेटा क्या कर सकते, ध्यान से सुनना, अपन क्या करेंगे, देखो देखो ये 180 एम है, 0.01325 × 10⁶। इस डाइन की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 10⁵ न्यूटन। और बेटा मैं यहां पे एक काम करते हैं ना, इसको सॉरी ये मैंने यूनिट को सही नहीं किया, एक मिनट से कर देता हूं मैं, क्या आ जाएगा, देखो ये ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इस सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10⁴ मीटर लिख सकता हूं क्या बेटा, सॉरी मीटर क्या, मीटर स्क्वायर हो गया। बोलो बच्चों ये सही लिखा। इसको सोल्व करने पर अल्टीमेटली मेरे पास क्या आया, 1.01325 × 10⁵ बोलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो बच्चों ये समझ में आ गया क्या। अब देखो बेटा एक बात बताओ, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को और क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल। सुना है क्या, अरे फिजिक्स में सुना है बच्चों, पास्कल बोलते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखिए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है बेटा 1 पास्कल, जिसको आप लिखते हो 1 PA। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 जो ATM है वो हो गया बेटा 1.01325 × 10⁵ पास्कल। बोल सकते हैं बच्चों, बोलो। अब मुझे बताओ बेटा जो बार है ना, 1 bar में 10⁵ pascal होते हैं, 1 bar में 10⁵ pascal होते हैं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बार लिख सकता हूं क्या। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा, देखो 1 ATM क्या हो गया 1.01325 bar हो गया। देखो वैसे तो ATM और बार की जो वैल्यू है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन कई बार है ना मैंने एक दो ऐसे न्यूमेरिकल देखे हैं कि वहां पे इस वैल्यू से भी बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। वैसे तो 1 ATM 1 bar ऑलमोस्ट है ना बेटा, अरे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, देखो 1 ATM और 1.01325 bar। बोलो अब मुझे बताओ ये टोर क्या होता है, ये टोर क्या होता है बताओ, टोर क्या है, TOR, टोर क्या होता है, कौन बताएगा, ये टोर नाम कहां से आया, ये टोर नाम कहां से आया, कौन बताएगा, वैभव कुलेरिया बता, वेरी गुड बेटा। बैरोमीटर को जिस साइंटिस्ट ने बनाया था ना उसका नाम था टोरिसेली, बैरोमीटर को जिस साइंटिस्ट ने बनाया था ना उसका नाम था टोरिसेली, ठीक है ना। मैं नाम लिखता हूं एक मिनट देखो, टोरिसेली, इस टोरिसेली के कारण ही है ना हमने टोर नाम यूज लिया है। बैरोमीटर को बनाने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था, टोरिसेली, इस टोरिसेली के कारण ही नाम पड़ा हुआ है। तो देखो बेटा अपन क्या बोलेंगे, अपन इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर विच इज एग्जर्टेड बाय 1 mm मर्करी कॉलम इज नोन एज 1
स्टोर, ठीक है ना। तो देखो बेटा, 1 ATM, 760 mmHg हुआ या 760 टोर हुआ, तो अपन ऐसा कह सकते हैं 1 mmHg और 1 टोर बराबर है। बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई, आ गया क्या, क्लियर है सबको, यहां तक कोई डाउट है? प्रेशर की सारी यूनिट समझ में आ गई, आ गई क्या बच्चों, बोलो। अब मुझे बताओ, अभी हमने किसका मेजरमेंट किया, बताओ अभी हमने किसका मेजरमेंट किया, किसका मेजरमेंट किया, कौन से प्रेशर का किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे किसी गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना हो, कोई कंटेनर है और उसके अंदर कोई गैस भरी हुई है ना, तो उसका मेजरमेंट किससे करेंगे बच्चों, बताओ। किसी कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है, अगर मुझे उसका मेजरमेंट करना है, तो क्या उसका भी बैरोमीटर से करते हैं क्या, उसका भी बैरोमीटर से करते हैं क्या, किससे करते हैं बच्चों, क्या करते हैं बच्चों, मैनोमीटर करते हैं, किससे, एक और एपरेटस होता है मैनोमीटर, ठीक है ना। अरे डिफरेंस समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला, अभी आपने जो मेजरमेंट किया वो एटमॉस्फेरिक गैसेस का किया, ठीक है। अब मैं क्या पूछ रहा हूं कि मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कोई गैस भरी हुई है, उस गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो उस गैस के प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए जो एपरेटस काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। समझ में आया? तो देखो बेटा, अपन क्या करेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं मैनोमीटर, है ना, मैनोमीटर हेडिंग डालता हूं मैं। मैनोमीटर, ठीक है बेटा। तो अब देखो मैनोमीटर क्या है, अपन क्या करेंगे, इट इज यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना, ऑफ ए गैस प्रेजेंट इन ए कंटेनर। ये बात सुनाई, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं, तो समझिए इसको ढंग से अच्छे से। देखो बेटा, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, फिर अपन बात करेंगे बेटा। ये देखो मैंने इस तरह से बनाया है, सिंपल सा डायग्राम। इधर मान लो गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा, और ये यहां से ओपन है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये जो है ना वो इसकी शॉर्टर लिम्ब है और ये इसकी लॉन्गर लिम्ब है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने क्या कर रखा है, इसमें ना इस तरह से मरकरी भर रखा है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए जो दोनों तरफ है ना वो लेवल इक्वल है दोनों तरफ, इसका मतलब बताओ, मुझे बताओ, ये अगर खुला है बेटा तो यहां पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, बताओ यहां पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, कितना लग रहा है, 1 ATM। तो मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों, देखो यहां जो लग रहा है एयर का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM लग रहा है। तो क्या दोनों तरफ जब इक्वल है
तो मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा, देखो प्रेशर ऑफ गैस प्रेशर ऑफ एयर के इक्वल हुआ और वो कितना हो गया 76 सेंटीमीटर मरकरी। बोलो बच्चों इक्वल हो गया ना, बोलो ये बात सुनाई। अब देखो बेटा सुनो, अब अगला डायग्राम समझना। अगले डायग्राम में मैंने क्या किया देखो, ये किया बेटा मैंने, ठीक है। अगेन इस बार मैंने इधर एक गैस भर दी, ठीक है। अब आप समझना बेटा, क्या इस बार दोनों का लेवल एक है क्या, क्या दोनों का लेवल एक है क्या? नहीं है, है ना। अब आप थोड़ा सा सोच के बताओ कि किसका प्रेशर ज्यादा है, बताओ। दिख ही रहा ना, अच्छा भला गैस का ज्यादा ना बच्चों। देखो यहां अपन ने क्या बोला, ये क्या है, ये जो पी एयर है वो 180 है। तो इस कंडीशन में मैं ऐसा बोल सकता हूं गैस का जो प्रेशर है वो एयर के प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसा बोलूं क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अपन किस प्रेशर को जोड़ दे कि बराबर हो जाए, बताओ बच्चों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अपन किसको जोड़ दे कि वो बराबर हो जाए, बताओ। मरकरी की जो हाइट है उसको जोड़ देना, मरकरी की जो हाइट है उसको जोड़ दे बेटा, तो देखो क्या हो जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अपन ऐसा बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर प्लस हाइट। बोलो बेटा ये सबको समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आया क्या? अरे कुछ जोड़ना पड़ेगा ना एयर के प्रेशर में, वो क्या होगा, वो जो ये हाइट के कारण डिफरेंस आया वही तो है ना बच्चों। तो क्या मैं यहां से हाइट निकाल सकता हूं, प्रेशर ऑफ गैस क्या हो गया -76। बोलो बच्चों ऐसा बोल सकते हैं क्या? यूनिट एक रखना, ये ध्यान रख लेना बेटा, यूनिट एक ही रखना। अब देखो अगर ये डायग्राम समझ में आ गया ना तो ये तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो सुनो, अब बताओ बच्चों अब क्या हुआ, अब किसका प्रेशर ज्यादा है? अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो अपन बोल सकते हैं बेटा पी जो गैस होगा वो लेस देन हो गया बच्चों। अब मुझे बता, अब अगर मैं ऐसा बोल कि मुझे पी गैस में फिर क्या करना पड़ेगा, एक मिनट बेटा देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पी गैस में हमें ये हाइट जोड़नी पड़ेगी। गार्गी शर्मा डी से क्यों करना है, अपन प्रेशर हाइट की फॉर्म में ही तो निकाल रहे हैं ना, प्रेशर हाइट की फॉर्म में ही तो निकाल रहे हैं। 76 सेंटीमीटर यूनिट लिखी है ना अपन, तो ये क्या हो गया बेटा, पी गैस प्लस एच बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां से एच क्या आ जाएगा, बोलो बेटा ये आ जाएगा पी माइनस पी गैस। तो 76 माइनस पी ऑफ गैस आ गया बच्चों।
बोलो। गार्गी शर्मा, समझ में आया आपको? गार्गी शर्मा बोलो। हम जो जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? वो मरकरी की जो हाइट उसके उसके टर्म्स में कर रहे हैं। अभी देखो आपने क्या देखा, हुआ क्या कि देखिए इस बार ये ऊपर की तरफ चढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? सी प्रेशर ज्यादा है ना, तभी तो ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको दबा रहा है। जब ये इसको दबा रहा है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा बच्चों। अब दोनों तरफ जो बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यही तो डिफरेंस है जो एच का जो आ गया क्या? अरे समझ में आ गया? बोलो बच्चों। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ बेटा। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो, फिर देखो करेंगे अपन। टू एन एच थ्री एन टू प्लस थ्री एच टू, ठीक है? इसने डायग्राम में ये दे रखा है। ये यहां पर अमोनिया भरी हुई है बेटा, ठीक है? ये दे रखा है, ठीक है? और यहां से आपको पता ही होगा ये एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, 1 atm। इसको एयर का प्रेशर लिख दो ना, ठीक है? अब क्या कह रहा है कि इनिशियली अमोनिया इज टेकन इन द गिवन बल्ब ऑफ मैनोमीटर, ठीक है? फिर क्या कहता है, आफ्टर 20 मिनट्स है ना, ड्यू टू 25% डिसोसिएशन है ना ऑफ अमोनिया, फाइंड डिफरेंस इन मरकरी लेवल इन बोथ लिम्ब्स। ये बताना बच्चों, ठीक है ना? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ बच्चों क्या कह रहा है कि इनिशियली आपने क्या कर रखा है ना, इनिशियली आपने अमोनिया को ले रखा है, ठीक है? और 20 मिनट बाद इसका 25% डिसोसिएशन हो गया, तो मरकरी लेवल का डिफरेंस बताना है, बताओ बच्चों। वेरी गुड भास्कर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। भव्या ढंग से कैलकुलेट करो बेटा। वेल डन प्रज्ञा फलोदिया, बहुत बढ़िया। लावण्य जग्गा, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा ये फिजिक्स में हो गया क्या आपके? प्रज्ञा ये चैप्टर फिजिक्स में हो गया क्या बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बेटा कैसे करेंगे, सुनो ढंग से। N2 प्लस सी एच टू, देखो इसकी स्टोकियोमेट्री 2 है, 1 है और 3 है। सबसे पहले बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि
जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में अमोनिया का प्रेशर बताओ, बताओ इनिशियल स्टेट में अमोनिया का प्रेशर बताओ। देखो जब इनिशियली आपको दिया हुआ है तो दोनों तरफ देखो बेटा लेवल इक्वल है, तो कितना हुआ 1 एटीएम हुआ बेटा, तो ये 1 एटीएम है, ये 0 0। अब देखो बेटा सुनो, आफ्टर 20 मिनट्स कितना परसेंट जा रहा बच्चों, कितना परसेंट चला गया बताओ, 25%। तो 1 का 25% क्या होगा बताओ बच्चों, 1 का 25% 0.25। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, देखो बेटा जब इसके दो मोल जाते हैं ना तो इसका एक मोल बनता है, ये बात सही है क्या? जब अमोनिया के दो मोल जाते हैं तो नाइट्रोजन का एक मोल बनता है, तो एक से ये बनेगा 1/2, तो 0.25 के जाने से इतना ही बनेगा ना। बोलो बच्चों ये समझ में आया, ये जो मैंने लिखा समझ में आया, दो मोल अमोनिया से, ढंग से सुन लेना विश्वजीत, देखो दो मोल अमोनिया से एक मोल नाइट्रोजन बने, तो एक से 1/2, तो क्या बोलेंगे 0.25 से 1/2 0.25। अब देखो इसके दो से तीन बन रहा है, तो एक से 3/2, तो बेटा 0.25 के जाने से कितना बनेगा, तो देखो बेटा ये तो बच गया 0.75, ये हो गया 0.125, ये हो गया 0.375, हो गया बच्चों। अब बताओ पहले इतना सबको समझ में आया, अरे ये समझ में आया क्या या नहीं आया, आ गया सबको? अब देखो बेटा ये एटीएम, ये एटीएम, ये एटीएम, तो मुझे बताओ अब जो टोटल प्रेशर होगा वो यही तो होगा ना, यही होगा बच्चों, बताओ अपन कह सकते हैं नाउ टोटल प्रेशर कितना हो गया 0.75, 0.125, 0.375, यानी कितना आ गया 1.25 एटीएम आ गया। मुझे बताओ बच्चों पहले कितना प्रेशर था, स्टार्टिंग में कितना था, अरे स्टार्टिंग में कितना था बच्चों 1, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया 1.25। तो बताओ बच्चों क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं अगर ऐसा बोलूं कि चेंज इन प्रेशर क्या बोलेंगे 1.25 माइनस 1 दैट इज 0.25 हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ अगर मुझे हाइट निकालनी है तो बताओ अपन क्या करेंगे, डिफरेंस इन हाइट, तो 1 एटीएम किसके इक्वल होता है, कितने सेंटीमीटर के बच्चों, सीखा था आज ही 1 एटीएम 76 सेंटीमीटर के, हो गया बच्चों इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 19 सेंटीमीटर, समझ आ गया बच्चों, तो 19 सेंटीमीटर होगा, होगा बच्चों। अब बताओ ये किस तरफ आपका राइज करेगा, बताओ ओपन की तरफ या क्लोज की तरफ, लॉन्ग लिम जो है इधर जाएगा ना, इधर से ऊपर जाएगा और इधर से ये नीचे आएगा, समझ में आ गया क्या, बोलो बच्चों ये समझ में आया बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, तो आज अपन ने एकदम सिंपल सिंपल से पढ़ा है ना, बोलो बेटा देखो पहले प्रेशर इधर था ना, ये देवाशीष तो पढ़ता लिखता था नहीं कैसे, अरे पहले इधर प्रेशर कितना था 1 एटीएम था, अब कितना हो गया 1.25, तो प्रेशर बढ़ नहीं गया क्या,
जब प्रेशर बढ़ गया गति है, इसमें क्या करेगा? लगाएगा, ये नीचे जाएगा, वो ऊपर नहीं आएगा। हाँ भैया, इतना पढ़ना, बाकी अपन कर लेते हैं बेटा।